हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आई एम ए पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम कैरिंग द ट्वेंटी ईयर एक्सपीरियंस एज ए क्लिनिकल फिजिशियन एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए फिजिशियन इन साउथ डली छतरपुर तो आज हम बात करेंगे कोलोरेक्टर कैंसर के बारे में बहुत लोगों का एक कन्फ्यूज़न है एक क्वायरीज रहती है और एक डर भी रहता है कि भाई कॉन्स्टिपेशन रहता है हमें बार बार पेट खराब होता है पेट में कुछ हो गया है और बहुत सारे लोगों के मन में एक कॉमन सा ही बात रहती है कि कुछ कॉलोन के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर या पेट के अंदर कैंसर तो नहीं हो गया है तो आज हम कुछ लोगों का ये कंटिन्यूस रिक्वेस्ट है कि कॉलोरेक्टर कैंसर पर एक वीडियो बनाएँ तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे सिम्टम्स बताएंगे कॉज बताएँगे उसका ट्रीटमेंट क्या है प्रिवेंशन क्या है वो सब आपको और यदि आप अननेसेसरी अपने सिम्टम्स को एसोशिएट कर रहे हैं तो फिर आप ना करें इस वीडियो को आप देखें जिससे कि आप समझ पाएंगे और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी आपका कन्फ्यूजन दूर होगा आपका फियर दूर होगा तो वीडियो को पूरा देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आई कैन वेल हिट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आपका जो भी व्यू है वो हमें मैसेज करिए और यदि आप कोई वीडियो चाहते हैं तो वो हमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं देखो कॉलोन के अंदर आ, कैंसर बहुत कॉमन है और कोलोरेक्टल कैंसर के होने के पीछे कॉमन जो कॉज है वो लाइफ स्टाइल कॉज है नाइन्टी परसेंट कोलोरेक्टल कैंसर या पेट से संबंधित जो कैंसर होते हैं वो उन लोगों को होते हैं वो जो किसी ना किसी तरह का नशा करते हैं लाइक स्मोकिंग है आपका या तम्बाकू चबाना है या बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फैट बहुत ज़्यादा मांस मछली खाना है एक्सरसाइज नहीं करना है और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का रहना और फ्रीक्वेंट आपको इन्फेक्शन होना तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं अब सिम्टम्स में जनरली हम देखते हैं कि कुछ केसेस में देखा यह जाता है कि जो बहुत ही चिंता वाली बात भी होती है कि फर्स्ट स्टेज में कोई बहुत ज़्यादा क्लियर कट सिम्टम्स नहीं होते तो कोलोरेक्टल कैंसर का कोई क्लियर कट कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम्स नहीं है कि उसके आधार पे हम ये कह सकें कि भाई ये पर्टिकुलर एक सिम्टम्स है तो ये कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से है बट फिर भी कुछ केसेस में कुछ सिम्टम्स ज़रूर आते हैं और सेकेंड स्टेज में काफ़ी सिम्टम्स मिलने लग जाते हैं लेकिन फर्स्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं मिलते और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है बट कुछ बुनियादी बदलाव हैं जो आपकी बाउल हैबिट में आते हैं तो उनको हम समझ लेते हैं आपको डायरिया डिसेंट्री फ्रीक्वेंट हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन आपका क्रॉनिक हो सकता है उसके साथ साथ कई बार आपके स्टूल के साथ ब्लीडिंग देखी जाती है और जो आपका एनोरेक्टल पैसेज है उसमें कई बारी दर्द होता है कई बार ईचिंग होती है कई बार पेन होता है कई बार ब्लीडिंग होती है और कई बार छोटा मोटा कोई पॉलिप्स भी बन जाता है तो उसको हमें समझने की ज़रूरत है यदि आपका अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है तो वो एक सिम्टम्स है यदि आपको फंक्शनल वीकनेस रहती है थकान रहती है तो वो एक सिम्टम्स है खाना खाने के बाद यदि आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगता है और आपको क्रैम्स आते हैं और लोअर रीजन में आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो फिर ये एक सिम्टम्स है कुछ लोगों को फीवर भी होता है और कुछ लोगों को फीवर के साथ स्वेटिंग डिहाइड्रेशन फंक्शनल वीकनेस और हेडेक uh, भी होता है तो ये एक सिम्टम्स हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं और सबसे बड़ा जो सिम्टम्स है एक कॉमन सिम्टम्स है जो कॉमन चेंज हम देखते हैं कि आपका स्टूल पास करने का जो तरीका है वो बदल जाता है स्टूल का कलर चेंज हो जाता है और आपको स्टूल पास करने ज़्यादा टाइम लगता है मतलब आप टॉयलेट में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो यदि इसमें से कोई आपको सिम्टम्स है तो इमीडिएटली आप अपने फिजिशियन से मिलिए डॉक्टर से गेस्ट्रोफिजिशन से मिलिए और अल्ट्रासाउंड या स्कैन के साथ साथ कई बार हमें कोलोनोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ती है जिससे कि एक क्लैरिटी आ जाती है कि यदि आपको कोई पॉलिप्स बन रहा है कोई गांठ बन रही है तो उसको फिर फर्स्ट स्टेज में ही डायग्नोस करके ट्रीट किया जा सकता है कॉलोरक्टल कैंसर यदि फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में डायग्नोस हो जाए तो उसको प्रॉपरली ठीक किया जा सकता है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है और उसके बाद आप अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं अब अब मोस्ट कॉमन जो बात है अब उस पर आते हैं कि आखिर ये होता क्यों है इसको कैसे हम प्रिवेंट करें यदि आप स्मोक करते हैं तो एक स्मोक एक रीज़न हो सकता है उसके पीछे तम्बाकू चबाना बहुत ज़्यादा मांस मछली खाना मतलब मीट और आपका रेड मीट और आपका मतलब मटन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इंटेस्टाइन के हेल्थ के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फैट और बहुत ज़्यादा आपका रिफाइंड स्वीट्स यानी कि चीनी और चीनी से बनी चीज़ें वो एक रीज़न है यदि आप डायबिटिक हैं तो आपका गट ऑलरेडी सेंसिटिव है आपकी इंटेस्टाइन सेंसिटिव है आपको इन्फेक्शन होने का पस बनने का एप्सिस होने का जो रिस्क है वो दूसरे लोगों से डबल हो जाता है तो इफ़ यू आर ए डायबिटिक पेशेंट तो यू शुड टेक केयर योर डाइजेस्टिव सिस्टम आप अपने डाइजेशन का ध्यान रखिए और यदि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई चेंज बदलाव आता है तो आप उसको समझिए बाउल रेगुलेशन में यदि आपको कोई चेंज दिखता है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें इफ़ यूर ए डायबिटिक पेशेंट यू सुड कंट्रोल योर अ ब्लड शुगर पी पी एड फास्टिंग विद द हेल्प ऑफ द मेडिसन एंड द फाइबर डाइट एंड डायबिटिक डाइट उसके बाद आता है कि यदि आप कोई भी व्यायाम नहीं करते हैं तो दैट इज़ आल्सो द कंडीशन कि आप सडेटरी यदि लाइफ स्टाइल को बिलोंग करते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक पैक्ड फूड और आउटसाइड फूड यदि है रिफाइंड यदि बहुत ज़्यादा है और रिफाइंड सुगर रिफाइंड फैट यदि आपके फूड में बहुत ज़्यादा है तो फिर आप कॉलोरक्टर कैंसर के लिए एक सेंसिटिव पेशेंट हैं उसके बाद है आपका फ्रीक्वेंट आपका पेट का इन्फेक्शन कॉन्स्टिपेशन प्लस आपके इंटेस्टाइन के और पेट के दूसरे इन्फेक्शन जिसमें आपका कई बार देखते हैं कि आप इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है या फिर आपको डायवर्टिकुलाइटिस यानी डायवर्टिकुलर डिस डिसीज़ आपको होता है तो जिसमें इंटेस्टाइन में पाउच बन जाते हैं और सेप्टिक हो जाता है कई बार इन्फेक्शन होता है एप्सिस हो जाता है तो दैट इज़ सेंसिटिव कंडीशन और इसके बाद फिर आपको कोलोरेक्टल कैंसर की जो संभावना है वो बढ़ जाती है अब इसको कैसे मैनेज करें इससे कैसे बचा जाए देखो सिंपल फॉर्मूला है बचने का आप सेवन एट से ट्वेल्व ग्लास पानी पीजिए यानी आप अपने फूड में सेवेंटी परसेंट लगभग लिक्विड डाइट रखिए लाइक वेजिटेबल्स वाटर जूस और आपका जितनी भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो रखिए प्लस अच्छे से हरी सब्जी खाइए फाइबर रिच इजीली डाइजेस्टेबल फ्रूट्स और सैलड शामिल करिए प्लस फोर्टी मिनट एनी टाइप ऑफ द एक्सरसाइज वो करिए दूसरा मेक श्योर करिए कि आपको अच्छी नींद मिले और एक पॉजिटिव मूवेबल एक्टिव फिजिकली एक्टिव लाइफ स्टाइल ऑप्ट करिए एक पॉश्चर में लंबे समय तक मन मत रहिए एटलीस्ट कुछ ना हो पाए तो वॉक करिए और अच्छे से लिक्विड डाइट लीजिए स्मोकिंग तम्बाकू चबाना बहुत ज़्यादा मांस मछली खाना ये सब आप अवॉइड करिए इफ़ यू आर ए डायबिटिक पेशेंट देन यू हैव टू टेक केयर योर डायबिटिक स्टेटस आप फिर अपने डाइजेस्टिव uh, सिस्टम की थोड़ी सी ज़्यादा केयर करिए ध्यान रखिए चीज़ों का लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई सिम्टम्स आपको रेगुलर रहता है तो फिर एक बार डॉक्टर से स्क्रीनिंग कराएं और आपको यदि कोई उस तरह की प्रॉब्लम है तो उस अंडरलाइन कॉज को हटाएं पहले से यदि कोई सिम्टम्स आ रहा है तो पहले से आप डील करें 50 परसेंट कॉलोरेक्टल कैंसर्स के के केस को बचाया जा सकता है प्रिवेंट किया जा सकता है रोका जा सकता है यदि टाइम रहते हुए सिम्टोमेटिक चेंज को और जो आपके कॉज हैं इनको हटाया जाए तो थैंक यू वेरी मच इन टेक केयर योर सेल्फ